हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आज 600 के अंदर में बहुत ही बढ़िया गेमिंग कीबोर्ड। भाई इस गेमिंग कीबोर्ड के बारे में जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, खासकर आप जो बजट गेमर हैं, सस्ते में कीबोर्ड ढूंढना चाह रहे हैं काफ़ी अच्छा लुक के साथ और काफ़ी अच्छा फंक्शंस के। ये आता है एंटी स्पॉट की तरफ से MK 1400, जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग कीबोर्ड है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे खोल के देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इसमें आपको एक मैनुअल मिल जाता है, इसका कोई काम नहीं है, और एक वारंटी कार्ड, और ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। तो ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड जो कि ब्लैक और वाइट कीज के कॉम्बिनेशन में काफ़ी कमाल दिखता है। भाई दिल खुश हो जाएगा, कोई देखकर नहीं कहेगा कि ये 500-600 का कीबोर्ड है, देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है गाइस। और इसका केबल की बात करें तो केबल लेंथ आपको 1.5 मीटर का मिल जाएगा, तो 1.5 मीटर का केबल लेंथ मिल जाएगा। ये ब्रेडेड केबल तो नहीं है, बट जो है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल PVC केबल है। तो चलिए इसे हम लोग लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, दिख रहा होगा इसे लाइट ऑन हो गया गाइस। इसमें आपको दो मोड्स ऑफ लाइट मिलते हैं, एक जो है स्टैटिक और एक जो है ब्रीदिंग मोड मिल जाता है। फंक्शन के साथ ही लाइट वाला बटन दबाएगा तो ब्रीदिंग मोड जो है ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं इस लाइट को। तो इसमें दो ही जो है आपको मोड्स मिलते हैं, बट काफ़ी अच्छा है भाई, बुरा नहीं है। इसमें आपको रेनबो LED मिलते हैं, मतलब मल्टी कलर LED। इस कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मेम्ब्रेन कीज मिल जाते हैं गाइस। इसका वेट जो 470 ग्राम का है, और इसकी लेंथ और विथ की बात करें तो लेंथ आपको 44 सेंटीमीटर का और विथ जो है 13 सेंटीमीटर का मिल जाता है। टोटल इसमें जो 104 कीज है, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड नंबर कीज भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है खासकर मेरे लिए। भाई मेरे कीबोर्ड में तो एक कीज होना जरूरी है, मैं आपको किसी डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कैसे ये कीज जो है आपके बहुत टाइम बचा सकते हैं, ये कीज को कैसे हम एफिशिएंट तरीके से यूज करें। साथ ही साथ आपको इसमें 12 फंक्शंस की मिल जाते हैं, जिसके हेल्प से जो है आप मल्टीमीडिया कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है सर्च इससे कर सकते हैं डायरेक्टली, ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और कैलकुलेटर वगैरह ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली इस फंक्शन की के हेल्प से। आपको ये फोटो देख रहा होगा, इसमें इन सारे फंक्शंस की के फंक्शंस लिखे हुए हैं। कोई भी कीबोर्ड का सबसे मेन चीज होता है उसका फीडबैक, तो फीडबैक कैसा है कीज का, की प्रेस करने पे कैसा हो रहा है, कहीं तो दबा दबा नहीं रह रहा है। ये प्राइस के अनुसार 600 के अनुसार ये कीबोर्ड काफी अच्छा फीडबैक देता है, बहुत ही अच्छे इसके बटन है, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप खुद इस कीबोर्ड के फीडबैक को आप देख सकते हैं गाइस। तो आपके माइंड में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये 600 कीबोर्ड में सारी अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ खामियाँ नहीं हैं। चलिए मैं कुछ खामियाँ बताता हूँ। सबसे बड़ा खामी तो मुझे लगा कि यह कीबोर्ड जो है फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ा सा लचीला है, कीज प्रेस करने पर हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिलता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर वो टेप लगा सकते हैं। और दूसरा कमी तो यह लगा, हालांकि यह कमी नहीं है भाई, इसमें तो लाइट्स मिल भी गए और सभी इतने दाम के कीबोर्ड में लाइट भी नहीं मिलते हैं, तो शायद 2-4 मोड्स और रहते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक देता है, काफ़ी प्रीमियम जैसा दिखता है कीबोर्ड। आप डेफिनेटली जो है इसे ले सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह के और भी कुल गैजेट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए टेक चित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।